जिस टाइम इन्होंने मीटिंग की थी, इस एजेंडे को लागू किया था, बनाया था, उस समय आपने देखा कि उसमें ना कोई हिंदू कम्युनिटी का था, ना गुजर बकरवाल था, ना कोई सिख कम्युनिटी का था, केवल गुप्कार रोड के कुछ गिने चुने नेता, कुछ व्यापारी उसमें शामिल हुए और वहीं के नेताओं को इकट्ठा करके इन्होंने ये एजेंडा बनाया। ये एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। अब ये जब इनकी देशद्रोही का सर्टिफिकेट जनता ने दिया, देश ने दिया इनको, कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं। जम्मू की एक पुकार, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती। सबसे पहले हम ये गुपकारियों को ये बताना चाहते हैं कि गुपकारी जम्मू को रिप्रेजेंट नहीं करते। गुपकारीज में अब्दुल्लास को यहाँ पे चाइनीज गवर्नेंस चाहिए, मुफ्तियों को यहाँ पे चाहिए कि उनको तिरंगे से दिक्कत है शुरू से ही, तो ये जिहाद उनका यहाँ पे नहीं चलेगा, वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते। और इसमें हम भारत सरकार से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी जिहादी पार्टियों को बर्खास्त किया जाए, ख़त्म किया जाए और ऐसे जिहादी नेताओं को जेल में डाला जाए। और हम एकजुट जम्मू से की तरफ से ये भी, हम जम्मू सेपरेट स्टेट रूट की भी मांग करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि कश्मीर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, जिसमें से एक जाए कश्मीरी की जो माइनॉरिटी, जो प्रोसिक्यूटेड हिंदूज थे, दूसरा फॉर द रेस्ट ऑफ कश्मीरीज। और वी आर अगेंस्ट गुप्कारीज, उनके एजेंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, महबूबा मुफ्ती।